प्रेम संबंधों में असफल होने पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को किया घायल, आमतौर पर यही खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन अलीगढ़ की घटना चौंकाने वाली है। यहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर पहले चाकुओं से वार किया और फिर खुद भी अपने हाथ की नस काट ली। दोनों को नाजुक हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जवाहर नगर क्षेत्र की है, जहां पर राहुल नाम का युवक रामघाट रोड स्थित कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहा था। यहीं पर एक युवती भी कोचिंग करने आती थी। राहुल और उस युवती में प्यार हो गया और फिर तकरार भी शुरू हो गई। 16 फरवरी को राहुल ने अपनी प्रेमिका से माफ़ी मांगने के लिए उसे अपने घर पर बुलाया। आरोप है कि राहुल ने इस दौरान युवती के साथ बदतमीजी की। घटना के कुछ दिनों बाद गुस्साई युवती बदला लेने के लिए युवक के घर पहुंची और उस पर चाकुओं से वार कर दिया, बाद में अपने हाथ की नस काट ली। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि तहरीर पर ही कोई कार्रवाई की जाती है। मई में मिला था तो इसने ही दोस्ती की थी, तो उसके बाद मैं भी दीदी पसंद करने लगी थी। उसके बाद एक दो बार मिला था। अच्छा, और कुछ नहीं। इस बार जुलाई में से लड़ाई कर ली थी, तो फिर कुछ नहीं, फिर बस घूमने गए थे। घूमने गए थे तो उसके बाद दिसंबर तक तुम बात ही नहीं की थी जुलाई से। फिर अचानक से खुद मिस कॉल मारा, मैंने तो क्यों मिस कॉल मारा है। फिर मैंने कॉल की तो कह रहा मैं अभी सॉरी बोल रहा हूँ पहले के लिए, इसलिए मिलने चली गई। आज क्या हुआ फिर? तो फिर उसने उस दिन बदतमीजी की थी। 16 तारीख को भी एक बार गई थी मेरे घर आके बदतमीजी कर रहा था, फिर 16 तारीख गई तो कुछ ज़्यादा बदतमीजी कर दी, जिसकी वजह से मुझे नहीं जीना। बस जान से मारने के प्लान से आई थी, मैं खुद भी मरने आई थी।